ये देखो लोहड़ी के बाद का खिलारा। ये होता है छत का फायदा। क्यों? जैसे मर्जी बंदा पार्टी कर ले, जैसे मर्जी सेलिब्रेट कर ले। सो जी, बस पार्टी का जो ऊपर गंदगी हो गई थी उसकी क्लीनिंग करने आई हूँ अभी टेरेस पे। झाड़ू लगाऊंगी पूरी छत के ऊपर, और ये कहीं से पानी आ गया था छत पे। किसी की टंकी ओवरफ्लो हो गई थी तो इसीलिए गीली गीली हो रखी है, अदरवाइज सूखी रहती है हमारी छत बिल्कुल। और पूरे छत को क्लीन करूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है यार। छोटी सी पार्टी करते हैं उसमें भी बहुत गंदगी खिलर जाती है। वो वाली छत है ना, वो वाली छत सामने, उस छत पे जिम बना हुआ, ऊपर जिम बना ही हुआ, बस करता कोई नहीं है। झूले वगैरह भी लगा रखे बच्चों के, करता कोई नहीं। आप देखते हो जाके मेरी छत पे लगाओ तो मैं पूरा फायदा उठाता। डंबल तो घर पे उठाए नहीं जा रहे आपसे। फायदा उठाएंगे डंबल मैं इसलिए नहीं उठाता, वो हल्के है। मुझे चाहिए भारी चीज, मुझे चाहिए भारी चीज। एक दिन मैंने तुझे उठाया तो था क्या? नहीं नहीं, कबाड़ी के पास, कबाड़ियों के पास है। इतना यार वो करना सी यार किसी तरीके ना, पानी रुक रहा है इतने। मैं दिखा क्या थे? नहीं इधर एक पासे चक मार दे, फिर पासे चक इथे रख। गुड्डू हटो। हैप्पी लोहड़ी का बैनर ये लगा हुआ इधर। रात को हटाया नहीं, सारा सामान ले गए, ये हटाने का काम नहीं किया। हाँ, एल हो गोल्डन कलर का, बाकी सारे हमारे हैप्पी बर्थडे वाले काम आ गए। अपू चलिए दक्षु ले आ, सारी सफाई तू ही कर देगा आज ही। जाओ ले लो, क्या दे रही है दीदी। यहाँ पे मशीन भी लगा रखी है मैंने, कपड़े भी मेरे ऐसे बिखरे पड़े हैं। जा दीदी से ले लो, क्या दे रही है दीदी आपको। अरे वाह, डमरू बनाया देखो दीदी ने, देखो डमरू बनाया आंटी ने आपके लिए। देखो दक्ष, आपने बनाया? अच्छा, उठाने वाला है डम्बल। ये डम्बल भी लग रहा है ऐसे ऐसे। देखो ये लो। अच्छा आप क्या करना है बेटा, इसका गले में डालना। अच्छा डालो गले में। रात को खुशबू आ रही थी। और ये खाना है, मतलब खा सकता है ये? और ऊपर क्या करना है? ऊपर अच्छा 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 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, आपका क्या बना था भाई? इसका क्या बनाया था? इसके भी सेम टू सेम सबके डमरू। हाँ, सबका सेम। अच्छा ठीक है, बाय बाय। दक्षिण छत में जाना, देखो बाय देखो। हाँ इसको छत पे पहले वो करवा देते हैं, है ना, कौओं को डाल देते हैं। खा रहा हूँ, कैसा है? टेस्टी है, मीठा मीठा बनाया है, हैं? लाला जू, चलो दो मिनट, ये यहीं पे रख रही हूँ। चलो दो मिनट, इतनी कुंडी ला देनी इतने। आजा आजा, तोड़ ना दे।
मैं भी ये है। आंटी वीडियो देखेगी ना बोलेगी मेरी चीजी को पोती बता रहे हो। ये लो आ जाओ, यहाँ नहीं फेंकना, लो पकड़ो अपने हैंड में, आओ वहां पे डाल के। चलो चलो अब खाते हैं। इसकी शेप को नाम देख लो क्या दिया है इसने। चल देखो सीढ़ी लगाती है आके, ऊपर वाली थले लगाती जी, ऊपर वाली से घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, क्लीनिंग एंड ऑल, कपड़े वगैरह धुलाई का काम था बहुत ज़्यादा आज, तो वो सब कंप्लीट करने के बाद नहा के फ्री हुई थी। अभी कॉम वगैरह नहीं की मैंने, बाल वाल ऐसी हैं, तो बस अभी दोबारा से झाड़ू लगाने लगी हूँ मैं, क्योंकि दक्षु ने ना नमकीन वगैरह खाई थी वो सब बिखेर दी है बाहर फ्लोर पे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ। जब भी वो कुछ ऐसे कटोरी में कोई चीज़ खाता है ना तो इधर उधर बिखेर देता है, तो बस अभी इसका ट्यूशन का भी टाइम होने वाला है, तो अभी इसको भगाऊंगी ट्यूशन और फिर अच्छे से सफाई करूँगी। वो देखो बालकनी में गया अपनी दीदी से बात करने के लिए, वो डेली आवाज़ लगा लेती है तो ट्यूशन जाने के लिए, तो फिर ये ट्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। तो रेडी तो मैं मतलब तैयार तो मैं इसको मतलब पहले ही कर देती हूँ, बैग वैग टांग के फिर इसको भगाती हूँ ट्यूशन की, चल भग यहाँ से क्योंकि ये पूरा गंदा कर रखा था। पता है बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें होती है ना तो और दिमाग ख़राब होता है, घर का काम वैसे ही ख़त्म नहीं होता, फिर ऊपर से ये कुछ ना कुछ खाता पीता है फिर बिखेर देता है सारे फर्श पे इधर उधर। तो वही ड्राइंग रूम में पूरे लिविंग एरिया में झाड़ू लगाने लगी हूँ, और बेडशीट्स वगैरह धुली थी आज मैंने, तो चेंज की है यहाँ की बेडशीट, तो अभी वो भी मैं बिछाने लगी हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है तो अभी वॉर्म बेडशीट्स ही बिछा रही हूँ बेड के ऊपर। तो ये सारे काम जो होते हैं ना मेरे, बेडशीट बिछाने वाले और कवर चढ़ाओ क्विल्ट के ऊपर ब्लैंकेट्स के ऊपर, ये सब मैं बाद में ही करती हूँ, तो पहले पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग और बाकी के बड़े बड़े काम कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद फिर ये सारे काम करती हूँ मैं छोटे मोटे जो रह जाते हैं। सो बस अभी दक्षु चला गया है, नहीं तो दक्षु होता तो वो मुझे बेडशीट नहीं बिछाने देता, ऊपर कूदता रहता है मुझे इतना दुखी कर देता है, कभी कभी परेशान कर देता है, क्योंकि फिर मैं ऐसे काम कर नहीं पाती हूँ, मुझे और ज़्यादा परेशान करता है, ऊपर जंप करेगा कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर मेरे से डांट भी खा लेता है फिर बैठ जाता है टिक के। सो जब ट्यूशन चला जाता है फिर मन भी नहीं लगता है, ऐसी बात नहीं है बच्चे के बिना, तो फिर बस अभी ट्यूशन, बस कुछ दिन के लिए ट्यूशन भेजा मैंने इसको। तो बस अभी शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है हल्का हल्का, और जितने भी कपड़े सूख गए थे वो सब मैंने फोल्ड कर दिए हैं, और थोड़े से गीले थे वो अंदर की तरफ ही डाल दूंगी चेयर वगैरह पे, क्योंकि बाहर ना इस टाइम मोस गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो जितने थोड़े बहुत सूख रखे होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं फिर कपड़े, इसलिए जो सूखे हैं वो सब साथ के साथ फोल्ड करके रख रही हूँ, गीले गीले मैं सब अंदर ही डाल दूंगी चेयर पे, और उसके बाद फिर हमने जाना है कहीं बाहर मटर गश्ती करने के लिए क्योंकि दक्षु के पापा को ना एक्चुअली स्कूटी दिखानी है, उसमें कुछ खराबी आ गई थी तो वो चेक करवाने जाना है, तो शॉप बंद होने से पहले पहले हमें पहुंचना है, तो ये मुझे बोल रहे हैं ये काम आके कर लियो पहले चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना काम निपटा के जाना है, क्योंकि जब मैं घर आती हूँ ना तो और काम पड़ा हुआ मुझे मिल जाए तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं हमेशा, मेरी स्टार्टिंग से मेरी यही हैबिट बनी हुई है, जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है चाहे मैं एक घंटे के लिए जाऊँ चाहे पूरा दिन के लिए जाऊँ, मेरी यही आदत है मैं हमेशा सारा काम कंप्लीट करके जाती हूँ, एक चम्मच तक मैं छोड़ती नहीं हूँ, बर्तन भी धुले होते हैं, बेडशीट्स वगैरह एकदम वेल सेट करके पूरे घर को जाती हूँ,
क्योंकि मेरे को ना अंदर से तसल्ली नहीं मिलती जब मैं वापस आके घर में देखती हूँ ना बिखरा हुआ है, ये भी काम करना है वो भी काम करना है, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं सारे काम पहले ही निपटा के जाती हूँ। चटनी मिंट वाली भी रखते हो? एक मिंट मैं शुरू किया। मामा ये भेज देना, ये भेज दूँ? कैसे लाइक भेज कोई इसकी? प्रेस करके रखो उसको बटन को। लो प्रेस करके का कितनी देर आएगी? मुझे लग रहा है इसके वो ना इसकी बैटरी वीक हो गई है इसीलिए लाइट नहीं ब्लिंक हो रही। के रात के 8 बज चुके हैं और सुबह से आज ठंड में काम करते करते ना हालत ख़राब हो गई। बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए, कपड़े कम भी होते हैं ना तो मैं खुद ही ज़्यादा कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा होता है। मशीन लगाई है, कपड़े धो रही हूँ तो आज सब कुछ धो के रख दूँ। वॉर्म बेडशीट जो मैंने न्यू बिछाई थी कुछ दिन पहले वो भी मैंने आज वॉश कर दी, क्योंकि उसमें ना जो जहाँ पे लाइट शेड पिंक कलर का दक्षु ने कुछ गिरा दिया था वहाँ पे खाते खाते, तो वो जैसे गच्चक वगैरह खाता है गुड़ वगैरह, तो वो वहाँ पे निशान पड़ गए थे। इसलिए फिर मैंने मेरा मन किया कि उसको भी उठा के धो दूँ। आज उसको धो के वॉश कर दिया है मैंने और उसकी जगह मैंने आज दूसरी वाली न्यू बेडशीट बिछा दी है। ये देखिए सुंदर सुंदर बेडरूम मेरा। और अभी एक्चुअली पीछे वाले रूम में ही सो रहे हैं ना हम, ठंड बहुत ज़्यादा है इस वजह से फ्रंट इधर वाले में नहीं सो रहे, बालकनी वाले में। इधर ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और गर्मियों में हम पीछे नहीं जाएंगे, गर्मियों में हमें बस बालकनी वाला ही रूम चाहिए होगा, गर्मियों में हम इधर ही सोए करेंगे। सो पीछे ना थोड़ा अच्छा रहता है, कोजी सा रूम है वो, वार्म, वहाँ पर ठंड नहीं लगती। तो बस बेडशीट वगैरह वहाँ पर मैंने चेंज कर दी थी और ब्लैंकेट का कवर वगैरह सब मैंने धो दिया, तो वो भी उसका कवर अभी उसके ऊपर डालूंगी तब रात को ऊपर लेने के फिर वो काम आएगा। ऐसे मैं क्विल्ट नहीं तो ऐसे लेंगे बिना कवर के तो गंदा हो जाएगा। सो अभी उसका कवर वगैरह सब उधर पड़ा है तो सोच रही हूँ अभी उसका कवर चढ़ा दूँ और बस आज सुबह से काम करते करते टाइम टाइम फिस हो गई क्योंकि ठंड है ना बहुत ज़्यादा इसीलिए। और दक्षु को थोड़ा सा बाहर ले गए थे घुमाने, मेरा तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी बाहर जाने का, थोड़ा सा ऐसे ही माइंड अपसेट हो रहा था। और मुझे तो मन कर रहा था जाने का बाहर, लक्षु का मन हो रहा था बाहर जाने का, मेरा नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी ना बैक में पेन होने लग जाता है ठंड की वजह से काम करते करते। तो चलिए अभी ठीक है, थोड़ा बाहर घूम फिर के माइंड चेंज हो गया है। अब कपड़े तो मैंने सारे फोल्ड करके रखे हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के से गीले थे वो मैंने ऐसे ही अंदर डाल दिए हैंगर वगैरह पे और चेयर्स वगैरह पे। ये देखिए बहुत सारे कपड़े धोए और ये मैंने कुछ चेयर पे डाल दिए, कुछ पीछे हैंगर में टांग रखे हैं वॉल डोर के हैंगर में। सो बस अभी ये सारे कल सूख जाएंगे जो टांग रखे हैं ना अभी कपड़े, वो भी कल सूख जाएंगे, सुबह तक सूख जाएंगे अच्छे से, तो उनको भी फोल्ड करके फिर सारे कपड़ों को इकट्ठे अलमीराज वगैरह में और बेड में रखने वाले होंगे तो बेड में सब कल ही सेट करूँगी मॉर्निंग में उठ के। अभी कवर चढ़ा लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद डिनर वगैरह करेंगे। आज मैंने डिनर नहीं बनाया क्योंकि आज हमारी साथ वाली जो दीदी हैं नेबर है हमारी, उन्होंने डिनर हमें भेज दिया है क्योंकि मकर संक्रांति का दीदी ने बनाया था ये सामान, कुछ छोले पूरी और ये गुड़ के होते हैं कुछ, ये मीठे मीठे और ये वड़े वगैरह उड़द की दाल के वड़े, ये सब दीदी ने बना के, दीदी ने पहले ही सुबह ही मना कर दिया था मेरे को कि डिनर मत बनाना आज, और ये हलवा। सो काफ़ी यमी लग रहा है सारा कुछ देखने में, तो यमी यमी चीज़ें देख के तो और भूख बढ़ जाती है। सो बस अभी इसी का डिनर करेंगे एंड उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे एंड देन फिर नीनी। चलिए गाइस मैं अभी क्विल्ट कवर चढ़ा लेती हूँ उस पर, फिर ऊपर लेने के काम आ जाएगा। अभी दक्षु के पापा बाहर भैया से बात कर रहे हैं बालकनी से, हम दोनों की बालकनी है ना जॉइंट है, मतलब बीच में पार्टीशन नहीं है, तो वहाँ से खड़े होकर बातें शातें चलती रहती हैं हमारी मस्त सबकी। चलिए गाइस अभी काम कर लो।
सो बस अभी घर पे आए थे, आकर मैंने क्विल्ट का कवर वगैरह लगाया चढ़ाया दक्षु के पापा की हेल्प से। तो बस अभी फ्री हुई थी तो कुछ खाने पीने बैठ गए हैं। एक्चुअली आज हम थोड़ा बाहर घूमने गए थे तो सोचा था कुछ खा पी के आएंगे, बट बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी तो मेरा मन नहीं किया कि वहाँ पे खड़े होके कुछ खाएं बाहर, क्योंकि बच्चा साथ में होता है ना तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है। दक्षु को ठंड लग जाती बहुत ही मुश्किल से, इसको जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी ना तब इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत मुश्किल से मैंने इसकी टेक केयर की और अब जाके ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं नहीं चाहती थी कि इसको दोबारा ठंड लग जाए, तो इसीलिए मैंने यही डिसाइड किया इनको बोल के कि जो भी खाना पीना है पैक करके घर पे ले चलते हैं और घर पे जाके आराम से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, और बच्चा भी आराम से अपने घर में खा पी सकता है क्योंकि और ठंड से भी बचा जा सकता है। सो इस वजह से फिर मैंने यही डिसाइड किया कि घर पे ही चलते हैं और दक्षु फुल एंजॉय कर रहा है अपना खाना पीना। देखो ना, हाँ जी देखो चलिए दोस्तों लेती हूँ अब आपसे विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए, बाय गाइज।